ओके बेटा, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं टॉप। अभी टॉप ऑपरेटर क्या करता है? देखिए, टॉप ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड पहले आपने टेबल में ऐड कर दिए हैं, उन टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 40, टॉप 50 या टॉप 1000 रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अगर आपको उठाने हैं तो आप उठा सकते हैं। अभी कैसे उठाएंगे? देखें, आपका क्यूरी का पैटर्न क्या है कि टॉप ऑपरेटर कहता है कि आप मुझे यूज करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको देना है टॉप, उसके बाद कितने रिकॉर्ड आपको उठाने, 3, 4, 5। मैं इसको कह देता हूं 5 चाहिए। टोटल मेरे पास रिकॉर्ड है 8। कौन सा क्लियर हो गया? 8 रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे टोटल कितने उठाने, 5। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं, उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे तो देखें कौन से टॉप रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड यहां जेड तक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें जेड तक आ रहा है डेटा। तो जो डेटा पहले इंसर्ट हुआ है उसके हिसाब से ये चीजें ला रहा है। कौन सा क्लियर है? लेकिन आप चाहते हो ऐसे नहीं, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा काम हो कि हमें ये डेटा कुछ वैल्यूज के हिसाब से चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्डर बाय। अभी मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आप किस लिहाज से देना चाहते हैं कि मुझे 5 रिकॉर्ड तो चाहिए, 5 रिकॉर्ड तो चाहिए, लेकिन ऑर्डर बाय किस हिसाब से हो, सिटी वाइज हो, फीस वाइज हो, एज वाइज हो, क्या चाहते हैं? यानी असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, सही है कि जिन बच्चों की फीस या जिन बच्चों के एजेस क्या है, मैं एज दे देता हूं, असेंडिंग में हो। किस में हो बेटा? असेंडिंग, यानी जिन बच्चों की एज छोटी है वो 5 ऊपर आ जाए। कौन सा क्लियर हो गया? अब पहले वो क्या कर रहा था, जो पहले आपके 5 रिकॉर्ड थे उन्हीं को उठा रहा था, अब वो कौन से उठाएगा 5? ठीक हो गया। चले जी, इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो कौन से बच्चे आ रहे हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर किस लिहाज से है, एज के हिसाब, यानी वो 5 रिकॉर्ड्स अब शो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज वाइज। सबसे छोटी एज का किसकी है, कला, उसके बाद आमना, उसके बाद अली, उसके बाद उसारम, उसके बाद जैद। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही है ना। अब एक चीज नोट करो, जब आपने ऑर्डर बाय नहीं दिया था, मैं सिर्फ यहां तक क्यों सिलेक्ट करता हूं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो यहां पे कोई बच्चा ऐसा जो यहां पे शो हो रहा है जिसकी एज कम हो, जैसे लाइक आमना एक स्टूडेंट थी, यहां पे उसका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा ना अभी, लेकिन जब आप ये ऑर्डर बाय दे रहे हैं तो वो रिकॉर्ड जो बिल्कुल नीचे पड़ा है, कहां पड़ा है देख लेते हैं, 6th पे पड़ा है ना बेटा, सही है। इसी तरह हमारे पास अगर आप ऑर्डर बाय देते हैं तो वो टॉप उठाएगा अकॉर्डिंग टू एज। कौन सा क्लियर हो गया? तो कल को अगर आप वैल्यूज के हिसाब से डेटा उठाना चाहते हैं तो टॉप 10 रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू एज, तो टॉप 10 रिकॉर्ड कौन से हैं वो आपके आ जाएंगे, टॉप 5, टॉप 20, टॉप 40। तो टॉप आपका बहुत अच्छे से काम आता है जब आपको इस तरह से प्रोजेक्ट समझ प्रोडक्ट दिखाना होती है। देखें, कल को आपको यह दिखाना है कि कौन सी टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर सेल में, तो उनके रिव्यूज के हिसाब से आप उसको उठाएंगे ना, तो क्या लगाएंगे, ई कॉमर्स की आपकी कोई वेबसाइट होगी तो आप लगाएंगे जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है ना, वो आपके ऊपर आ गया। कौन सा क्लियर हो गया? इसी तरह आप जब कोई भी चीज सर्च करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, जब आप सर्चिंग करते हैं तो टॉप जो रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं जिनके व्यूज ज्यादा होते हैं वो टॉप में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? इसके थ्रू। कौन सा क्लियर हो गया? जाहिर है जब आपके कोई भी वीडियो में व्यूज आते हैं तो उनके डेटाबेस के अंदर जाके वो व्यूज एड हो जाते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? अब वो जब फेचिंग करवाते हैं, आप सर्च करते हो ना, एंटर करते हो, तो YouTube के डेटाबेस से आपके वो 5 या 10 वीडियोस उठ के आ जाते हैं जिनके व्यूज टॉप पे होते हैं। ऐसे ही है ना बेटा, तो हमारा टॉप वहां पे भी यूज होता है। इसी तरह टॉप 10, टॉप 30, जैसे आप लोगों ने पेजिनेशन सुनी होगी, पेजिनेशन देखिए ना, पेजिनेशन आपने देखा है, नीचे एक बटन सा आ जाता है तो 20 रिकॉर्ड 30 रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं, तो आप इस तरह से उसको शो कर सकते हैं कि है ना कि आपको पर पेज कितने रिकॉर्ड दिखाने,
तो 10 ही दिख रहे होते। आप किसी वेबसाइट पे जाओ, आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक होती है ना, फिर नीचे पेजनेशन होती है, क्लिक करके आप चेंज करते रहते हो दूसरे पेज तीसरे पेज पे। जैसे गूगल सर्च नहीं करते आप, चले यहाँ आ जाते, गूगल सर्च पे आप जब जाते हैं, यहाँ पे आपने कोई चीज सर्च की, ठीक है, आपने सर्च किया व्हाट इज एचटीएमएल, देखें अब एचटीएमएल की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नीचे देखो क्या आ रहे हैं, पेज आ रहे हैं बेटा। अब उसने पहले जो 10-15 वेबसाइट थी उठाई ना, टॉप 15 वेबसाइट जिन पे विजिटर्स ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कल को हमें अगर किसी एप्लीकेशन में क्या लगानी है, पेजनेशन लगानी है ना इस तरह के, तो तब भी वो टॉप से हो अगर आपने एसक्यूएल सर्वर को यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम MySQL यूज करेंगे तो वहां पे लिमिट यूज होता है। क्या यूज होता है? लिमिट, कि कितने रिकॉर्ड उठाने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से हम जो है टॉप को यूज कर रहे हैं।